नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों, आज 18 अप्रैल 2022 दिन सोमवार। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपकी वजह से आपका जो YouTube चैनल है दिल्ली फ्रूट मार्केट, इस पे दोस्तों आपका 1 लाख परिवार हो चुके हैं। इसमें आप सभी किसान हैं, आढ़ती हैं, खरीदने वाले, बेचने वाले, पूरे देश के इसमें सभी व्यापारी वर्ग जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे 1 साल होने से पहले 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का दिल्ली आज़ादपुर मंडी में फल और सब्जियों का क्या कुछ रेट चला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद 1 लाख सब्सक्राइबर करवाने के लिए। जानते हैं लहसुन का आज का मंडी में क्या कुछ बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज मंडी का क्या कुछ बाजार खुला। सर जी नमस्कार जी। सर जी, आज का क्या कुछ बाजार खुला जी, मंडी का क्या रेट है जी, कितनी गाड़ियाँ? 20-22 गाड़ी है मंडी में, जिसमें 10-12 गाड़ी से ऊपर तो छिपा होता है। हाँ जी, 7-8 गाड़ी है मंडी में, यूपी वगैरह, हरियाणा वगैरह। हाँ जी, जो छिपा बड़ोत अच्छे हैं वो बिक रहे हैं 20 रुपये से लेकर और 50-55-60 रुपये छिपा बड़ोत के, जो बढ़िया क्वालिटी है। ये ऊटी वाले जी? ऊटी वाले। अच्छा, हाई से हाई ऊटी का क्या है जी? हाई से हाई तो 70-75 है, लेकिन वो माल कम है। अच्छा जी, ज़्यादा जो माल है वो 20-30-40 रुपये। अच्छा जी, बिकने को जैसे ये बॉक्स भी बिके थे, ये 38 रुपये बिके थे देसी में। अच्छा जी, ऐसा माल देसी समझो 30 रुपये। हाँ जी, और बिकने में ये कूड़ा का भाड़ा जाया था, व्यापारी ने 3 रुपये का भाड़ा खर्च कराया। हाँ, और 3.5 रुपये में ये माल यहाँ बिका है। 3 रुपये में यहाँ बिका है, खाली 3.5 रुपये, 3 रुपये किलो, 3 रुपये किलो बिका है। हाँ जी, और 3.5 रुपये तो उसने भाड़ा खर्च करा है। ये कहाँ से लाया जी? ये इंदौर से लाया था, किसान था। हाँ जी, कह रहा मेरा वहाँ 1 रुपये किलो बिकता था, 2 रुपये किलो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ही 3 रुपये किलो बिका है। इसको क्या बचेगा जी फिर? ना, नुकसान है। हाँ जी, 1 रुपये किलो का, 2 रुपये किलो का नुकसान ही उसको हुआ है। ये 3 रुपये किलो लहसुन का बाजार जी, चूरा चार रहा था ना इसमें। अच्छा जी, और कली बिल्कुल बारीक थी। अच्छा जी, ये माल बिके 13 रुपये किलो के। अच्छा जी, इसमें सफाई नहीं फिर है। तो बाजार तो बिल्कुल ही डेड पड़ा जी, ये तो डेड ही है बाजार। अच्छा, मतलब अच्छे मालों की कीमत तो अलग है ही है। हाँ जी, अच्छे माल की कीमत अलग है। अब जैसे ये लाड, ये है जो 3-4 रुपये किलो बेच रहा हूँ। अच्छा जी, तो बिक्री कैसी खुल रही जी आज मंडी में? ठीक है, बिक्री ठीक है, कोई बिक्री में कोई कमी नहीं है। हाँ जी, बिक्री ठीक है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर जो मोटी गली के माल हैं वो तो बिक रहे हैं। हाँ जी, जो आपके ये इधर से आ रहे हैं छिपा बड़ोत वगैरह। अच्छा, यूपी के वो तो बिक रहे हैं। अच्छा, अच्छे माल को देसी। और ये यूपी वालों का देसी का जी? वो बिक रहे हैं 10 से लेकर 20-25 रुपये, बहुत बढ़िया होता है। अच्छा जी, डाउन है वो भी? डाउन। अच्छा जी, अभी 1-2 महीने ऐसा ही चलता रहेगा, 1 महीना तो ऐसा चलेगा। तो कितने दिन तक उठ सकता है जी बाजार ये? थोड़ा सा बाजार ये उठेगा उम्मीद है कि, क्योंकि अगले महीने से वो चालू हो जाएगा हिमाचल। हाँ जी, वो हिमाचल आने से बढ़िया माल तो सब वही लेंगे लोकल। हाँ जी, वो उसका शुरुआत बाजार भी 80 रुपये से कम नहीं खुलेगा। अच्छा जी, 80-90 से कम नहीं खुलेगा, अच्छा माल। अच्छा जी, वो पूरा चाइना मोटा माल होता है। हाँ जी, हाँ जी, और ये माल जो है ये 20-25-30 अभी ये चलते रहे, कुछ भी नहीं बचने का जी, मारे जाएंगे तो जी। अब समय ऐसा है तो इसका एक्सपोर्ट का भी होता है जी कुछ कभी? अभी एक्सपोर्ट का भी चालू नहीं हुआ कुछ। वैसे खुल रहा एक्सपोर्ट? खुल जाएगा अभी, अभी खुलने की पूरी उम्मीद है। नहीं, खुला नहीं भाई? नहीं नहीं, अभी सरकार ने बंद कर रखा। नहीं, अब तो सरकार की तरफ से तो मेरे ख्याल से आ गया है, लेकिन अभी आगे डिमांड नहीं होगी। अच्छा, जो दूसरी कंट्री में है वहाँ पर डिमांड नहीं है इसकी? अब वो खुलेंगे तो 40-50 रुपये अच्छे माल बिकेंगे। अच्छा जी, 50-60-40, तो वहाँ तो फिर सारा सिलेक्टेड माल जाएगा जी, जो भी जाएगा। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी जानकारी दे। सर जी, दुकान का एड्रेस? RM ट्रेडिंग कंपनी, ए ब्लॉक 279, पिंकी भाई मेरा नाम, और 9810087863। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।